राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है डे फोर मेरी वेट लॉस जर्नी का। तो सुबह की शुरुआत 2 ग्लास गर्म पानी से हुई। इसके बाद छत पे जाके मैंने वॉक की और आज का वेदर बहुत अच्छा था। छत बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा स्टेप्स, जितने ज़्यादा राउंड मैं ले सकती हूँ उतना ले लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम होता है। फिर थोड़ा सा करती हूँ वर्कआउट। छत में ही डंबल्स रखे हुए हैं तो जो जो वर्कआउट मैं फ़ोन पर देख कर सकती हूँ वो छत पर कर लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा योगा करती हूँ, कपालभाति अनुलोम विलोम करती हूँ। एंड इसके बाद आज था एकादशी, आज है कामिका एकादशी, तो मैंने एकादशी का पूजन किया और ये डिसाइड किया कि एकादशी को ग्रीन फास्ट करना चाहिए। वैसे मेरा फास्ट तो नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं कोशिश नहीं की, मैंने एक्चुअली पूरा दिन ग्रीन अवॉइड किया। तो मैंने कोई भी ऐसी अनाज वाली चीज़ नहीं ली। सुबह की शुरुआत मैंने की एफ्रेश के साथ में, जिससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। दैन घर के किए थोड़े से काम। एफ्रेश को मैं आराम से बैठ के इंजॉय करती हूँ, सिप सिप करके पीती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना ही रखती हूँ ज़्यादा। 11 बजे के अराउंड मैंने पिया भर के पानी। पानी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरह का वेट लॉस करिए, नॉर्मल डाइट में भी है, अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करिए। तो वाटर इनटेक में टाइम टू टाइम आराम से बैठकर इसको रिलैक्स होकर करती हूँ। अपने थोड़े बहुत काम के बीच में जब मुझे टाइम मिलता जाता है तो मैं पानी पीती हूँ। 11:30 बजे के अराउंड मैंने यहाँ पर लिया गाजर, सेब और ये है करी, मतलब जो नारियल होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। कुछ मैंने ग्रेटेड किए, कुछ टुकड़े कर लिए, वो सब खाया। और इसके बाद 1 बजे मैंने खाया अपना लंच, जिसमें है बटर मिल्क, ये है सैलेड और ये है लौकी और टमाटर की सब्ज़ी, रसीली सब्ज़ी है ये, बिना हल्दी की बनी हुई है। और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश की कि साफ़ सुथरे ढंग से, बिना ग्रेन्स के, और थोड़ा सा व्रत वाली टाइप की बन जाए। तो मैंने इसे सिंपली घी में तड़का लगा के इसको टमाटर के साथ फ्राई कर लिया। और ये है बटर मिल्क और इस पूरे को मैंने अच्छे से इंजॉय किया, क्योंकि सैलेड में सबसे पहले खाना शुरू करती हूँ, क्योंकि सैलेड खाने से क्या होता है ना, आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। तो उसके बाद मुझे ये सब्ज़ी और जो छाछ थी वो भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसके बाद मैंने ली पावर नैप और मैं उठी अब शाम को। तो शाम को उठने के बाद आप देख सकते हैं शाम के ऑलमोस्ट 3:30 बजा हुआ है। पानी पिया मैंने, आराम से बैठ कर रिलैक्स करके पानी को इंजॉय किया। देन इस टाइम पे मैं थोड़ा सा जानवी का भी होमवर्क वगैरह करा देती हूँ। उसके बाद शाम को मैंने ली अपने लिए ग्रीन टी, थोड़े से मखाने और पीनट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा, मैं और जानवी दोनों ने मिलकर इंजॉय किया। और इसके बाद कि मैंने फिर से पिया पानी, आप देख सकते हैं। और पानी के साथ मुझे, मैंने लिए यहाँ पर थोड़े से काजू है, अखरोट है और आधा टुकड़ा है ज़रा सा खजूर का इसमें, डेट का, तो वो मेरा मन हो रहा था थोड़ा सा तो मीठा खाने का, तो उसको मैं खजूर से थोड़ा सा अपनी क्रेविंग को दूर कर लेती हूँ। देन उसके बाद वर्कआउट का टाइम था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया वर्कआउट ऑनलाइन वाला, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो तो आपको इतना फास्ट दिख रहा है, बाकी ये काफ़ी नॉर्मल ही था। और वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, इसलिए उसके पहले एफ्रेश या किसी तरह का इस तरह का एनर्जी ड्रिंक लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ग्रीन टी ली थी उसके साथ थोड़ी सी, बाद में मैंने फिर से एफ्रेश लिया ताकि एनर्जी से भर जाऊं। छत पे जाके की वॉक और इसके बाद रात को पढ़ी बुक, और इस तरह मैंने अपने दिन को ख़त्म किया आज के। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरी बोल।